Zindabad! Zindabad! Bizim sabah karımsani yılın canı Zindabad! 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 Bunlara sosyal bandı kuru! Bançaro! Bançaro! Bunlara sosyal bandı kuru! Bançaro! Bançaro! Cahil jo mecburi ho! Hamari maange puri ho! Cahil jo mecburi ho! Hamari maange puri ho! प्रधानमंत्री ने जहां 2 अक्टूबर को सफाई कर्मियों को एक बड़ा सहकर्मी बताते हुए कहा कि हम स्वच्छ भारत अभियान 2.0 प्रारंभ कर रहे हैं, वहीं कुछ लखनऊ में सफाई कर्मी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे हम कि क्या कुछ उनका मोटिव है, क्या उनका कहना है, उनकी मांग क्या है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। हमारे साथ ज्ञानचंद भारती जी मौजूद हैं जो महानगर के अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है इस मामले पर, कि क्या किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्रोही में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी मीडिया बंधु, जो कि आप लखनऊ सफाई कर्मचारी यूनियन और लखनऊ नगर निगम में कार्य सभी समस्त सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और प्रकाशित करने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कहने का मकसद मेरा ये है कि जो लखनऊ सफाई कर्मचारी यूनियन या लखनऊ सफाई कर्मचारी जो नगर निगम में कार्यरत हैं, इनके साथ जो शोषण हो रहा है, वो शोषण तो सभी जगह हो रहा, पूरे प्रदेश और पूरे भारत के अंदर हो रहा है, लेकिन एक शासनादेश हमारा पारित होता है जो 8 सितंबर 2015 को एपीएफ से संबंधित, उसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया। सरकारें जो नियम लाती हैं और शासनादेश पारित हो जाते हैं, उन शासनादेशों का अनदेखी की जाती है लखनऊ नगर निगम में, और उसकी एक लेटेस्ट अभी ताज़ा जो उदाहरण है ये है कि हमारा जो 26 अगस्त 2021 को जो पिछले 18 महीनों से डीए फीस था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय निकाय सभी का, जिसमें परमानेंट भी कर्मचारी आते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो शासन द्वारा रखे जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, जिनको पुनरीक्षित कर दिया जाता है, जिनको सिर्फ क्या है कि उनके जो मूल वेतन है उसके परमानेंट के माध्यम से उनका उसके बराबर जो वेतन जोड़ करके महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो ये महंगाई भत्ता परमानेंट के लिए 24 अगस्त को आता है शासनादेश, उसके बिल वापस हो जाते हैं सभी परमानेंट के कर्मचारी, मतलब फोर्थ क्लास लगा के क्लास वन अफसर तक, उनका जो है सितंबर की 5 तारीख तक बढ़ा हुआ वेतन आ जाता है। लेकिन ये जो 26 अगस्त को जो पूर्णकालिक शब्द है, इसमें संविदा के जो सफाई कर्मचारी इनको पुनरीक्षित कर दिया गया, उनको 189% महंगाई भत्ता दिया गया, लेकिन उस महंगाई भत्ते को लागू करने के लिए लगभग 40 दिनों से बराबर प्रयासरत हैं हम सभी लोग आ रहे हैं, जिसके लिए हमने कार्यालय में अपने नगराध्यक्ष महोदय और अपर नगराध्यक्ष महोदय और मेयर महोदय को मैंने लिखित में ज्ञापन भी दिया हुआ है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि छोटा सा सिर्फ आदेश जारी होना है। महानगर के हमारे लखनऊ नगर निगम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय हैं, उनका एक छोटा सा ये 4 लाइनों का आदेश जारी होना वित्त एवं लेखा अधिकारी महोदय के नाम, कि आप इस वेतन को, बढ़े हुए वेतन को इस संविदा सफाई कर्मचारियों को दीजिए लगा के सितंबर पेड़ अक्टूबर में। क्या कहा जाता है जब आप नगर आयुक्त से संपर्क करते हैं, हमारे नगर की जो मेयर हैं संयुक्त भाटिया जी, उनसे आप संपर्क करते हैं, तो क्या आश्वासन मिलता है आपको और क्या कहा जाता है कि कब तक आपकी मांगों को पूरा किया? सर मैंने 1 अक्टूबर 2021 को जब मेयर महोदया से मिला हूँ, हमारी यूनियन के लोग पदाधिकारी गए, तो उन्होंने कहा हो सकता है वित्त का संकट हो इसलिए आपका कार्यालय आदेश नहीं जारी हो रहा, तो मैंने कहा कि मैम वित्त का संकट जो 3000 रुपये फोर्थ क्लास का जो नया नियुक्ति हुई होगी परमानेंट, उसका 3000 रुपये वेतन बढ़ा है, और श्रीमान नगर आयुक्त महोदय का अगर बढ़ा होगा तो 24 से 25 हज़ार रुपये उनका वेतन बढ़ा होगा प्रति माह, और इतना कर्मचारी परमानेंट का है तो उनके लिए वित्त का संकट नहीं है, लेकिन 920 कर्मचारी जो हमारे संविदा के हैं कार्यरत हैं, इनको 1750 रुपये मात्र वेतन वृद्धि होनी है, इसके लिए वित्त का संकट बताया जा रहा है, दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र, और ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन मैंने जब उनसे वार्ता की, उन्होंने कहा ठीक है तत्काल प्रभाव से हम इसको करवा देते हैं, और अपर नगरायुक्त महोदय के द्वारा फाइल भेज करके 27 सितंबर 2021 को नगरायुक्त महोदय के पास भेजी गई, उनके मेज पर रखी रही, सप्ताह भर फाइल मारी, लेकिन एक स्वीकृति का सिर्फ एक छोटी सी स्वीकृति उनको प्रदान कर देनी है, लेकिन उन्होंने उस पर वार्ता लिख दिया कि वार्ता करी। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण ये है कि जितने महीने हमारा वेतन वृद्धि नहीं होगी, करीब अगर 1750 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा 920 कर्मचारियों को, 16-17 लाख रुपए का मामला है, और जितने महीने रोक लेंगे उतने महीने उनको लाभ होगा और इनको हानि होगी कर्मचारियों को, उसका एरियल भी नहीं देना है। जो मूल वेतन मिलता था वो भी रोक दिया गया है? नहीं, वो तो दिया जा रहा है, मूल वेतन का जो पिछला 189% का जो हमें मिलना है वो डीए हमारा बढ़ा के वेतन के साथ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इतनी बात है। बाकी और 10 सूत्री मांगे हमारी हैं, एरियल हमारा 2015 से लंबित 80,000 रुपये इन कर्मचारियों को मिलना है, वो नहीं दिया जा रहा है, ईपीएफ की कटौतियां नहीं हो रही, हम बराबर कह रहे हैं कि ठेका सेवा प्रदाता के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं वार्डों में,
उनको डायरेक्ट शासन के द्वारा रख दिया जाए, विभाग के द्वारा। आप चाहे 10,000 ही वेतन दीजिए, लेकिन बीच के बिचौलिए जो ठेकेदार जो शोषण कर रहे हैं, 100 में से 25 लगाए, 35 लगाए, और बाकी कर्मचारियों का पैसा जो है वो ठेकेदार भी खा रहे हैं, यहाँ के अधिकारी भी खा रहे हैं, वो खत्म किया जाए। हमारी ये भी मांग रखी गई है, लेकिन अब नहीं मानी जा रही है फिलहाल। किसको ज्ञापन सौंप रहे हैं अभी, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि आप इस पे क्या कार्रवाई करेंगे, कब तक करेंगे? सर, इससे संबंधित मैंने मांग पत्र अपनी अपर नगराज महोदय श्री अभय कुमार पांडे जी को मैं दे चुका हूँ 27 सितंबर को। फिर उसके बाद ये हमारी दी हुई जो रिसीविंग है हमारी, फिर नगराज साहब को दिया है, महापौर महोदय को दिया, आज के आज जो हम 8 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दे के मैं आया हूँ, अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। अभी हमें आश्वासन दिया, पूरे कर्मचारी जाके बरांडा घेरे हुए थे, तो अपर नगरायुक्त महोदय हमारे श्री अभय कुमार पांडे जी ने ये कहा है कि ये सैटरडे संडे की छुट्टी है, इसको हो जाने दीजिए, और सोमवार से हर हाल में सोमवार को आपको नगरायुक्त महोदय से मिलकर के फाइल पे सैंक्शन करा के आपका एक कार्यालयादेश जारी कर दिया जाएगा। मैंने कहा सर 10 दिन बाद हमारा वेतन दीजिए, लेकिन सितंबर पेड अक्टूबर जो हमारा वेतन आने वाला है, आज 8 तारीख हो गई, आप भले 18 को दीजिएगा, लेकिन बढ़ा के वेतन, हमारा जो महंगाई भत्ता दिया गया है शासन द्वारा, सरकार द्वारा, ये बढ़ा हुआ वेतन बढ़ा करके आप लगा के देंगे, ये हमने मांग रखी। यदि सोमवार मंगल तक हमारा कार्यालयादेश जारी नहीं होता तो ये समस्त कर्मचारी फिर बुधवार को हम बरांडा घेरने का और नगर निगम को घेरने का काम, और उसको कचरा कचरा कर देंगे। अब की हम लोग है ना भाइयों, पूरा पूरा कर देंगे, पक्का पक्का, जब तक हमारा ये कार्यालय जारी नहीं होगा। सर धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं इस प्रकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सड़क पर होना, वो भी अपने वेतनमान को लेकर के, ये दर्शाता है कि सरकार उनके प्रति कितनी उदासीनता बरत रही है और उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। उनको ये सोचना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि उनके वेतन रोकने से उनके घर कैसे चलेंगे या फिर उनका जीवन यापन कैसे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज कुमार के साथ प्रवीण सिंह, विद्रोही आनंद, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।